चारों चुपों की आवाज, मरियम नवाज, चुपों की आवाज, मरियम नवाज, मुखिया तेरा शौन आजी, शौन आजी, शौन आजी, और मुस्लिम लीग नून के तंजीम के बहन भाइयों और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे रास्ते में शहीद अब्दुल कादिर बलोच साहब जो मेरे बुजुर्ग है, मेरे लिए बहुत मुकर्रम भी है, उन्होंने मुझे रास्ते में कहा कि हमारे जो तंजीम के अहदेदारान है वो इस बात में नाराज होते हैं कि मरियम नवाज कोई ना आई और उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैंने उनसे कहा कि प्लीज आप मुझे उनसे मुलाकात ही नहीं लीजिए, मुझे आपसे मुलाकात करके आज आपके दरमियान आने मुझे बहुत अच्छा लगा है। और खुसूसन जो कोयटा की इतनी बड़ी तादाद में ये बहने अहदेदारान हैं, ये जो सामने बैठी, मैंने सुना है कि कोयटा में खवातीन ज्यादा सामने नहीं आती, लेकिन एक और ही मंजर पेश हो रहा है। मैं अपनी सब बहनों को, बेटियों को अपना मोहब्बत भरा सलाम पेश कर रहा हूं। पिछली बार भी जब मैं कोयटा आई तो न सिर्फ मुझसे लीग नून के कारकुनों ने बल्कि कोयटा के आवाम ने मुझे जिस इज्जत मोहब्बत और शफकत से नवाजा था वो मैं आज तक भुला नहीं सकी। और अब भी जिस तरह से आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत शफकत मेरे पे इशारा की, मैं सारी जिंदगी कल जलसा इंशाल्लाह ताला पीडीएम का, मेरी आप सबसे ये गुजारिश भी है बेटा, या थोड़ा सा नीचे हो जाए आप बेटा, आप भी थोड़ा सा नीचे, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है मैडम, मैडम के पास, मैडम मैडम के पेजेस पे लाइव चल रहा है। आसपास के शहरों से जरूर जलसे में शिरकत करें, क्योंकि इस जलसे का जो मकसद है, आपके जो लीडर हैं मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने वोट को इज्जत दो का जो नारा लगाया है, उस नारे की अब अमली शक्ल इख्तियार करने का मौका आ गया है। उन्होंने बीमार होते हुए, मुल्क में ना होते हुए भी उन्होंने एक जिद्दोजहद का आगाज किया है, और उसमें उन्होंने सिर्फ अपने कारकुनों को आगे नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी मरियम नवाज को आपकी सफ में करा दिया। मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। जिस तरह मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने पाकिस्तान के हर शहर में, पाकिस्तान के हर सूबे में, जिस तरह अपनी बहन, अपनी बेटी मरियम नवाज को जिस तरह से जो अकीबत, मोहब्बत का और सपोर्ट का मुजाहरा किया है, आप यकीन करो मुस्लिम लीग नून के मेरे जाबाजों, मुझे एक दम ये कीजिए कि अपने वाले और अपने भाइयों की कमी का एहसास नहीं। मरियम नवाज, मरियम नवाज। और अब जबकि इस जिद्दोजहद का अमली तौर पे आगाज हो गया है, अभी सिर्फ गुजरांवाला और कराची का जलसा है, तो इस जाली हुकूमत का ये हाल है। अब जब कल कोयटा का जलसा होगा तो यहाँ क्या होगा? इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत के, इस जाली और सिलेक्टेड हुकूमत के दिन थोड़े, इंशाल्लाह आप लोग अपने इरादों को पुख्ता कर लें, आप लोग ये वादा करें कि नवाज शरीफ ने जब आपकी खातिर, आपके वोट की इज्जत की खातिर,
आपके हक के हुक्मरानी की खातिर इस महंगाई से इस जाली हुकूमत और जाली वज़ीर आज़म की नालायकी की वजह से जो आप पर मुश्किलात आई हैं, जिस तरह आपके घरों के चूल्हे बुझ गए हैं, ये खवातीन जानती है मैं क्या कह रही हूँ, जानते हुए मैं क्या कह रही हूँ। महंगाई ने कितना मुतासर किया आप सबको, मुझे इल्म है इस बात का, मुझे अफसोस है इस बात का कि आज आप लोगों को सबसे ज्यादा फिक्र ये है कि अपने घर में बच्चों को रोटी दें या अपने बीमार वालिदैन या बीमार जो आपके घर में अफराद हैं उनको दवाइयां दें या फिर बिजली और गैस के बिल दें। एक चीज आप करते हैं तो दूसरी चीज के लिए आपके पास पैसे नहीं होते, मुझे आपकी तकलीफ का अच्छी तरह एहसास है। और दुआ करो मेरे भाइयों और बहनों, दुआ करो कि इस जाली हुकूमत से हमें और अवाम को जल्दी निजात मिले, ताकि मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह अपने नवाज शरीफ ताकि आपके दिलों का जो वजीर आजम है नवाज शरीफ, आपका जो शेर बिन लीडर है नवाज शरीफ, वो वापस आए अल्लाह ताला की करम नवाजी से इंशाल्लाह वो आके अपनी जिम्मेदारियां संभाले और आपको इस ना अहद और ना लायक हकीकत से अल्लाह ताला निजात दे। आमीन। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का पाकिस्तान के आईन का मैसेज न सिर्फ बलोचिस्तान के हर शहर में हर कोने में पहुंच चुका है बल्कि पाकिस्तान के पूरे अर्ज पे पहुंच चुका है। तो मेरे साथ हाथ उठा के वादा करो कि इस जिद्दोजहद में नवाज शरीफ का साथ दोगे, अपने वोट की इज्जत करवाओगे इंशाल्लाह, और अपने अलावा किसी को हुक्मरानी करने का हक नहीं दोगे इंशाल्लाह, और कल के जलसे में जौक दर जौक इंशाल्लाह शरीक होकर इस जाली हुकूमत इस सिलेक्टेड हुकूमत और सिलेक्टर्स को ये पैगाम दोगे कि तुम्हारी हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं। और जो आपने अवाम के वोट के ऊपर डाका डाल के हुकूमत बनाई थी उस हुकूमत के जाने के दिन करीब आ चुके हैं। ये वादा करते हो ना इंशाल्लाह, अगर आपको इस्लामाबाद की कॉल दी गई तो आओगे ना इंशाल्लाह, वादा है अपनी बहन इंशाल्लाह, अपने हक के लिए खड़े होगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, मुस्लिम